अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट पार्ट 1 है -1 +35/54 =35/54 -1, तो इसको हमने इक्वल साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, -1 +35/54 =35/54 +1। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ हो उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जो राइट हैंड की तरफ हो उसको राइट साइड कहते हैं। -1 +35/54, -1 ये ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, +35/54। इसका एलसीएम 54 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम 54 आ जाएगा। 54 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, -1 मल्टीप्लाई 54 प्लस 54 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा -54 +35/54। इसके बाद 54 -35, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 19/54। 54 में से 35 निकालेंगे तो क्या आएगा, 19, और नेगेटिव है ना 7, तो नेगेटिव लिखेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो ही लिखना होता है। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड पे -35/54 -1, 35/54 +/-, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, -1। इसका एलसीएम आ गया 54, जैसे हमने इस साइड पे किया है वैसे इस साइड पे करना है। 54 को 54 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 1। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 54 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 54, 35 आ गया, -54/54। 54 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 19। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे 54। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, सेम, तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। -4/5 +1/8
प्लस 11/12 -4/5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 वैसे आ गए, 3 1 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 आ गए इसका एलसीएम। 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12 पे, 12 1 12, 12 2 24, 2 आ गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 3 1 3, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 21, 22 सॉरी, 3 और 22 25, बटाने 24, 5 1 5, 5 5 25, 4 1 4, 4 6 24, -5/6 आ गया, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड लिखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इन दोनों को जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेंगे। फोर वन ज़र फोर, 4 2 ज़र 8, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 2 10, 10 आ गया, ब्रैकेट प्लस, फिर इस ब्रैकेट को 4 1 4, 4 3 12, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 11, 3 5 ज़र 15, 11/15, एलसीएम आ गया 10 और 15 का, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 वैसे आ गए, 3 1 3, 3 2 6, 6 5 30, 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 3 30, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, नेगेटिव, 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 15 1 15, 15 2 30, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 22 30, 3 और 22 25, बटे में 30, तो नेगेटिव 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 आएगा, लेकिन इनको ऐड करेंगे, 5 5 25, 5 6 30, -5/6, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, -5/6, तो राइट हैंड साइड भी -5/6 आ गई, क्या लिखेंगे, हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर थ्री, 4/9 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्(5/7 इक्वल 4/9 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/7। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। 4/9 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहे एक दूसरे से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 3 7 21, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को नीचे। अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहे किसी से, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40, 9 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 9 9 2 18 189 आ जाएगा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड इसकी 4/9 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, 4/9 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। 2 9 से कैंसिल नहीं हो सकता, 4 3 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 9 3 27 मल्टीप्लाई 5/7। अब फिर ये कैंसिल नहीं हो रहे तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49 9 4 कैरी 7 2 14 14 और 4 18 189 आ गया। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 40/189, तो राइट हैंड साइड भी 40/189। तो हम लिखेंगे हैंड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, -121 बटे में 169, 13/-11 -11, फिर इसको इधर और इसको इधर लिख देंगे, 4 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो 169 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 13 1 13। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 11/13। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड, -11 मल्टीप्लाई 11/11 13/13 तो ये भी 13 आ जाए।
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 11/13, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, -1/4 +1/6 +3/5 -1/4 +1/6 +3/5 लेफ्ट हैंड साइड, -1/4 +1/6 +3/5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1/4 +6/5 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ऐसे निकालना है इसका एलसीएम, 6 5, 2 पे डिवाइड, 2 3 6, 5 ऐसे आ गया, 3 1/3, 5 ऐसे आ गया, 5 पे 2 3 6 6 5 30। 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड 6, 6 1 6 6 5 35, 5 × 1 +30 को 5 पे डिवाइड, 5 1 5 5 6 30, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1/4 +5 1 5 +6 3 18/30 ब्रैकेट, -1/4 +5 18 23/30, 4 और 30 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4, ये 15 आ गया, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 15 वैसे आ गए, 3 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4, 3 5 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60, 60 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 4, 4 1 4, 2 20 बन गए, 4 5 20, 15 आ गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 1 +60 को 30 पे डिवाइड करेंगे, 60 divided 30, 30 1 30, 30 2 60, 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, +2 3 6, 2 2 4, तो ये आ गया 46, इनको मल्टीप्लाई करने से 60। इसके बाद 46 - 15, 6 - 5 1, 4 - 1 3, 31, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे 60, 31/60 आ गया, तो ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, -1/4 +1/6 +3/5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फोर और सिक्स का एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 वैसे आ गए, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 इसका एलसीएम आ गया, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे,
चार एक चार, चार तीन बारह, तीन आ गए, तीन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन मल्टीप्लाई एक, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 6 6 2 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 और 5, माइनस 3, 3 वन ज़र 3, 2 वन ज़र 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 1। कैल्शियम लेंगे 12 और 5 का, 2 6 12, 5 वैसे आ गए, 2 3 ज़ा 6 5 वैसे, 3 1 ज़ा 3 5 वैसे, 5 1 ज़ा 5, 2 2 4, 3 5 15, 4 और मल्टीप्लाई 15 तो ये आएगा 16। 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 एक 12, 12 5 60, 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1, 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 5 एक 5, 5 एक 5 10, 5 2 10 तो यह आ गया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस 12 3 36 और में 60, 36 माइनस 5 तो क्या आ गया 31 ओवर 60 तो ये इसकी आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 31 ओवर 60, राइट हैंड साइड भी 31 ओवर 60 आ गई, तो क्या लिखेंगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो -2/7 -2 है, तो 7 है ना डिनोमिनेटर में बस, तो डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो क्या आ गया इसका एलसीएम, 7 आ गया, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, दरम्यान में माइनस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 2, -2 -14 ओवर 7, टू और 14 -16 हो गए, चार पे डिवाइड हो जाएगा 12 और 16, चार तीन 12, चार चार 16, पाँच चार 20, तीन सात 21 और ये सात नेगेटिव आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को लहदा लहदा सॉल्व करेंगे और फिर इनका जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है ना,
दो एक दो, दो छः 12, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 सिक्स सेवन ज़ार 42, 7 नेगेटिव है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 वन ज़ार 2, 2 सिक्स ज़ार 12, 5 ओवर 6, माइनस 5 और 42, माइनस 5 और 6, इसका एलसीएम लेंगे 42 और 6 का, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 7 1 ज़ार 7, 1, 2 3 ज़ार 6, 6 मल्टीप्लाई 7, 42 आ गया, 42 इसका एलसीएम आएगा। 42 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 5, दरम्यान में नेगेटिव, 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 7 और 42, 7 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव 5 माइनस 7 5 ज़ार 35 और 42, 5 और 35 कितना हो गया, 40 ओवर 42, नेगेटिव 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 आएगा, ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 0, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, माइनस 20/21, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी ये थी और राइट हैंड साइड भी ये है, तो लिखेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।